क्योंकि बैंक वालों के लिए जो फेवरेट कस्टमर्स होते हैं वो होते हैं सैलरीड पर्सन। तो आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में एमओडी ऑप्शन का भी चुनाव कर सकते हैं। ये जो बेसिक क्रेडिट कार्ड होते हैं ये यूजुअली लाइफ टाइम फ्री मिल जाते हैं, या फिर मतलब बेसिकली अपनी जो भी जानकारी है जो उसने मांगी हुई है वो सारी एक साथ आप सबमिट कर दें। अगर आपने भी अभी अभी नौकरी शुरू की है और क्रेडिट कार्ड लेने या ना लेने के बीच में कन्फ्यूजन बना हुआ है, या किसी गलत फहमी की वजह से और किसी के सुझाव के कारण आपने क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया है, या फिर आप ये जानते ही नहीं है कि क्रेडिट कार्ड को यूज करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों की सुनी सुनाई बातों में आकर क्रेडिट कार्ड यूज करने से पहले ही उससे डर रहे हैं या अप्लाई भी नहीं कर रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड से नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा वगैरह वगैरह, तो मुझे पर्सनली लगता है कि आपको इस विषय में अपनी जानकारी बढ़ाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हो सकता है आपने क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई अब तक जो भी बात सुनी हो सब नेगेटिव ही हो। और मैं ये बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं कि आपने जो भी बातें सुन रखी होंगी नेगेटिव क्रेडिट कार्ड के बारे में वो झूठ होगी, क्योंकि ये बात तो भाई बिल्कुल झूठ नहीं है कि क्रेडिट कार्ड एक डेट है और आप इससे एक डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। लेकिन कौन लोग? जो इसे स्मार्टली यूज करना नहीं जानते, या वो लोग जिनको ये यूज करना नहीं आता और उन्होंने कभी ये चीज सीखी भी नहीं है। इवन अगर मैं भी अपने पापा या उनके एज ग्रुप के लोगों से बात करूं इंटरनेट बैंकिंग को लेकर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर, तो उनके मन में थोड़ा सा डर जरूर रहता है, क्योंकि उनका मानना और सोचना यही है कि ऑनलाइन चीजों से जो है फ्रॉड के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि आप ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते हो, ऑनलाइन अपना बिल पेमेंट नहीं करते हो, ऑनलाइन बैंकिंग भी तो यूज करते हो, आप करते हो ना, क्योंकि इसके बारे में आपको एक सही नॉलेज है और उसके साथ ही आपको इसको ढंग से यूज करना भी आता है। सेम यही चीज क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई होती है। जिन लोगों को पता नहीं है, उसे यूज करना नहीं आता, वो लोग आपको सिर्फ इसके बारे में नेगेटिव बातें बताते हैं। तो अब आता है इस पूरे कंक्लूजन का बेसिक सवाल कि क्या हमें क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए। तो सिंपल वर्ड में आंसर है बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन स्मार्टली। आपको क्रेडिट कार्ड ही यूज करना चाहिए डेबिट कार्ड की जगह, क्योंकि जो फायदा आपको एक क्रेडिट कार्ड दे सकता है वो एक डेबिट कार्ड कभी नहीं दे सकता। अगर आपकी एज 25 प्लस हो गई है और आपका सिबिल स्कोर 750 से भी नीचे है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ये कोई तारीफ की बात होनी चाहिए। अब आप डेबिट कार्ड कितना भी खींचते रहो, कितना भी स्वाइप करो, लाखों करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन करो, आपके सिबिल स्कोर पर एक रुपए का फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हो तो आपके सिबिल स्कोर को ठीक करने में भी मदद कर देता है। खैर ये सब तो होगी ज्ञान की बात है, लेकिन अगर आप अपने पहले क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सबको जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे पॉइंट आता है कि आपको अपनी इलिजिबिलिटी चेक कर लेनी चाहिए कि आप क्रेडिट कार्ड लेने के लिए इलिजिबल हैं भी। हो सकता है आपको क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए टेलीकॉलर्स के कॉल आए हों, पर कॉल आना और एक्चुअल में इलिजिबल होना दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप तो चाहते हो क्रेडिट कार्ड बनवाना लेकिन बैंक आपकी एप्लीकेशन हर बार रिजेक्ट कर रहा हो। तो ये डिफरेंस क्यों आता है कि एक तरफ तो आपको टेलीकॉलर्स कॉल कर रहे हैं और जब आप क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर आ जाती है दो चीजें, एक आप जॉब करते होंगे, दूसरा आप सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, मतलब कोई बिजनेस वगैरह करते होंगे। जॉब के केस में आप एक फिक्स सैलरी के लिए काम करते हैं जो कि मंथ के एंड में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, और सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब आपका कोई बिजनेस है उसमें आप हो सकता है कि दो चार गुना या कई गुना एक्स्ट्रा कमाते हो जॉब वाले से, लेकिन आपकी इनकम जो है फिक्स नहीं रहती है। अगर आप जॉब करते हैं और आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है और आपको उस कंपनी में काम करते हुए 6 से 8 महीने एटलीस्ट हो गए हैं, तो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि बैंक वालों के लिए जो फेवरेट कस्टमर्स होते हैं वो होते हैं सैलरीड पर्सन। किन्हीं कारणों से, समझदार लोग समझ गए होंगे। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप कहीं भी अप्लाई करेंगे क्रेडिट कार्ड के लिए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपके लगभग सभी रास्ते खुले हुए होते हैं क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए। वहीं अगर बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड वाले इंसान की, तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने पर क्रेडिट कार्ड मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बैंक की नजर में आप एक रिस्की कस्टमर हो जाते हो। जैसे कि मैंने बताया कि आप अपने बिजनेस से सैलरीड इंसान से कई गुना ज्यादा कमा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको क्रेडिट कार्ड बनवाने में थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी। इसलिए अगर आप कभी क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई करें भी तो ऑनलाइन तो बिल्कुल ना करें, बेटर रहेगा कि किसी बैंक या उसके एजेंट के थ्रू आप अपने क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करें। अगला पॉइंट आता है कि हमें क्रेडिट कार्ड प्राइवेट बैंक का लेना चाहिए या सरकारी बैंक का। इस चीज के लिए आप जरूर कंफ्यूज हो सकते हैं, और इस वीडियो को देखने वाले लोगों के पास अगर ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है तो अपनी अपनी राय भी अलग अलग हो सकती है। लेकिन मेरा जो पर्सनल व्यू है कि प्राइवेट बैंक अभी तक तो भाई मुझे बिल्कुल सही लगते हैं, क्योंकि इनकी लिमिट भी आपको ज्यादा मिल जाती है, और क्रेडिट लिमिट जितनी ज्यादा हो और आपको उसको ढंग से यूज करना आता हो तो इससे आपका सिविल भी अच्छा खासा इंक्रीज होता है। अगला पॉइंट आता है कि अपने बैंक में एक अच्छा बैलेंस रखें क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले। वैसे तो अपने सेविंग बैंक अकाउंट में एक बड़ा अमाउंट रखना एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको अपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना ही है तो बैंक में एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए। अच्छा बैंक बैलेंस मतलब बहुत ज्यादा 5-10 लाख रुपए नहीं, मतलब 2 लाख के अराउंड भी अगर आप मेंटेन कर लेंगे 6-8 महीने के लिए तो इनफ होगा। ऐसा करने से आपके क्रेडिट कार्ड अप्रूव होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। या फिर अगर आपके पास इतना बैलेंस नहीं है या किन्हीं कारण से आप ये बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। या फिर आप सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योर्ड मतलब आप किसी चीज के एवज में, जैसे FD हो गई, इस चीज के एवज में भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
क्रेडिट कार्ड मिलने के बाद आप क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो अपने अकाउंट में जो आपका डेबिट कार्ड है जो आप अभी तक यूज करते थे उस अकाउंट में एटलीस्ट आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट जितना पैसा तो रखें ताकि मंथली साइकिल पूरा होने पर आप अपने क्रेडिट कार्ड का फुल एंड फाइनल पेमेंट एक बार में कर पाए। कुछ केसेस में अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट ज्यादा है मतलब 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख है तो आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में MOD ऑप्शन का भी चुनाव कर सकते हैं जिससे आपको एटलीस्ट FD जितना रिटर्न तो मिल ही जाएगा। MOD क्या होता है आपको नहीं पता तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो के बाद आप जाकर उसे देख सकते हैं। अगला पॉइंट है कि आपका अकाउंट जिस सेविंग बैंक में है उसी बैंक में क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का फायदा। अगर आप एक अच्छा खासा बैलेंस अपने अकाउंट में मेंटेन करते हैं और अपने ही बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा। वो प्लस पॉइंट क्या होगा कि एक तो आपके क्रेडिट कार्ड अप्रूव होने के चांसेस यहाँ काफी हद तक बढ़ जाएंगे, दूसरा आप अपने एक ही ऐप से अपने बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड दोनों को मैनेज कर पाएंगे। ये एक छोटा सा बेनिफिट है जो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। बाकी आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इस चीज के लिए पूरे फ्री है। अगला पॉइंट आता है कि हमें क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए मल्टीपल इंक्वायरीज एक साथ रेज नहीं करनी चाहिए क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक नया नया एक्सपीरियंस होता है और इस एक्सपीरियंस के चक्कर में लोगों में एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा होती है तो मैक्सिमम लोग ये गलती कर जाते हैं कि एक ही साथ वो कई जगह इंक्वायरी भेज देते हैं। अब इससे होता क्या है कि आपको किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड इशू नहीं होता है क्योंकि आपने एक साथ मल्टीपल इंक्वायरीज जो है वो रेज करी होती है। और दूसरा उससे भी बड़ा नुकसान क्या है कि जितनी बार आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी उतनी बार आपका सिविल स्कोर जो है वो खराब होगा। तो बेटर यही होगा कि आप पहले एक इंक्वायरी को पूरा होने दें, उसका प्रोसेस पूरा होने दें, वहां से फाइनल आंसर आने दें कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हुई है या रिजेक्ट, तब तक का वेट करें। और अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो आपको 2-3 महीने का वेट कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद ही आपको दूसरा कोई अप्लाई करना चाहिए। अगला पॉइंट है कि आपको शुरू में ना एक बेसिक क्रेडिट कार्ड से शुरुआत करनी चाहिए, मतलब ज्यादा तामझाम वाले से नहीं करनी चाहिए कि आपको ये एक्सेस दे देंगे, साल में इतनी बार आप ये चीज कर पाएंगे, इन सब चीजों से थोड़ा सा शुरुआत में दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो आपके लिए यही सही होगा कि आप एक बेसिक क्रेडिट कार्ड लें। ये जो बेसिक क्रेडिट कार्ड होते हैं ये यूजुअली लाइफ टाइम फ्री मिल जाते हैं या फिर मिनिमल चार्जेस के साथ जो कि 500 रुपए के आसपास होते हैं उनके साथ भी मिल जाते हैं। तो पहले आप बेसिक क्रेडिट कार्ड से अपना फायदा निकालना सीख जाएं, उसके बाद आप बड़े क्रेडिट कार्ड के लिए जा सकते हैं। अगला पॉइंट ये आता है कि कोशिश करें कि लाइफ टाइम फ्री कार्ड आपको मिले, क्योंकि नए यूजर के लिए हमेशा ये बड़ा टास्क रहता है ये सोचने के लिए कि वो जिस क्रेडिट कार्ड के लिए एनुअल चार्जेस पे कर रहा है उसको देने के बाद वो उसको सही से यूज या यूं कहें वसूल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या फिर उसे वेट करना चाहिए और ढूंढना चाहिए एक बेसिक लाइफ टाइम फ्री कार्ड। तो ऐसे में मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि पहले तो ढूंढे लाइफ टाइम फ्री कार्ड, लेकिन अगर किसी भी कारण से आपको लाइफ फ्री क्रेडिट कार्ड इशू नहीं हो पा रहा है या फिर ऐसा कोई कार्ड मिल पा रहा है जिसकी मिनिमल फीस है जो 500 रुपए के आसपास होती है तो यहाँ पर भी आपका नुकसान नहीं है क्योंकि कई बार बैंक्स फर्स्ट ईयर की फीस जो है वो वेव ऑफ कर देते हैं या किसी कैशबैक के फॉर्म में आपको वापस कर देते हैं और नेक्स्ट ईयर तक आते आते आप डेफिनेटली किसी दूसरे कार्ड के लिए एलिजिबल हो ही जाओगे, तो जिसको आप बाद में अप्लाई कर सकते हो। अगला पॉइंट आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने KYC डॉक्यूमेंट्स को हमेशा हैंडी रखना, क्योंकि अक्सर जो फर्स्ट टाइम यूजर्स होते हैं वो ये गलती कर ही देते हैं। तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन भरें तो उसे एक साथ भरें, डॉक्यूमेंट जमा कराएं तो एक साथ जमा कर दें, अपलोड कर दें, मतलब बेसिकली अपनी जो भी जानकारी है जो उसने मांगी हुई है वो सारी एक साथ आप सबमिट कर दें। जैसे आपका सैलरी प्रूफ हो गया, ITR हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, ID प्रूफ हो गया, ये जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो भी बैंक द्वारा मांगे जा रहे हैं वो आपको सभी फुलफिल कर दें। तो ये सब पॉइंट्स थे आज के बहुत इंपॉर्टेंट। और ये जो क्रेडिट कार्ड है ना ये आपको रिवॉर्ड पॉइंट तो दिलाता ही है, साथ ही आपका सिविल स्कोर भी ठीक करने और उसको बढ़ाने में मदद करता है। और बैंक जब भी आपको लोन देता है तो आपको लोन देने से पहले आपका सिविल स्कोर जरूर चेक किया जाता है। इन केस अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो कोई बैंक आपको लोन नहीं देगा। अगर किसी बैंक ने लोन देने का सोच भी लिया तो आपको इतना हाई इंटरेस्ट पर लोन देगा कि आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। और मिडिल क्लास इंसान को कभी ना कभी लोन की जरूरत तो अपने जीवन में पड़ी जाती है। तो क्रेडिट कार्ड को सही से यूज करना, जिम्मेदारी के साथ यूज करना, स्मार्टली यूज करना, और इसको डिफॉल्ट तो कभी मत करना। बाकी आप खुद समझदार हो। इन्फॉर्मेशन और वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करके शेयर भी कर देना। कुछ पॉइंट्स अगर आप एड ऑन करना चाहते हो या मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट्स में आपका हमेशा स्वागत है। मेरा नाम अमित ढोंडियाल और मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।